हेलो दर्शन, नमस्ते। सदा का दिन भन्दा अलग, वेलकम ब्याक टु लफा मिलन भलग। सुरु गरम यात्रा भिडियो बाटे। फ्राइडे नहीं होगा, फ्राइडे होता है मगर इस टाइम में कौन दिन होता है मालूम नहीं है। चेक नहीं किया है, कैलेंडर में पूरा है। अभी वो बोला ना, ये किसी का हाथ में नहीं है। ये जो चांद है ना, चांद की दिन के हिसाब से होता है। वो चांद में अगर इतना दिन बाद में होता है होगा, ठीक उस जिस दिन वही हिसाब से। अभी पहले स्टार्ट भी वो चांद देखे करता है, चांद देखे करता है। वो चांद का पूरा देखेगा? नहीं नहीं, चांद जब पहला दिन उठता है ना, आज देखा चांद, ठीक है ना, तो उसका 15 दिन बाद, 15 दिन बाद से हमारा नहीं, चांद जो दिन उस दिन से। और उसकी पहले भी उसका एक शाबान होता है, सबे बारात 15 दिन पहले। और मैंने चांद जो उस दिन देखेगा ना, चांद हमारा रमजान का 30 का दिन है, 30 से ज्यादा नहीं होगा, कम होता है। एक दिन क्यों, चांद का हिसाब है 1 महीने का, 1 महीने 30 दिन का भी आज चांद नहीं देखा गया। एक्चुअली कैलेंडर में सब कुछ में आज है मगर चांद नहीं देखा गया, वो नहीं होगा, उसका बाद दूसरा दिन से स्टार्ट होगा। और रोजा पूरा फिनिश होने के बाद ईद है। ईद 3 दिन वो रहेगा, 3 दिन नहीं, ईद 1 दिन मगर उसका छुट्टी वगैरह 3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसा जिसका मर्जी, गवर्नमेंट जैसा करता है, ऐसा छुट्टी मिलता है। ऐसा है, अभी इधर तो 3 दिन मिलता है, उधर अभी बांग्लादेश में कितना मिलेगा? 1 दिन मिलेगा? नहीं, बांग्लादेश में भी 3 दिन, अगर जुम्मा का मिस हो जाएगा 4-5 दिन भी हो जाता है। एक्चुअली छुट्टी तो गवर्नमेंट का हिसाब से, गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय उसके हिसाब से, सब जैसा बिजनेसमैन हम आम आदमी जो उसके लिए छुट्टी है, नहीं छुट्टी तो कोई नहीं है, बात नहीं है। कभी भी खोल सकता है, कभी भी घूम सकता है, वो हिसाब नहीं करता है। सबसे बड़ी बात हिसाब करता है गवर्नमेंट का, जो एम्प्लॉय छुट्टी कितना दिन वो हिसाब करता है। उसके लिए 3 दिन 4 दिन गवर्नमेंट जो अनाउंस करेगा, स्पेशली 3 दिन ही होता है। वो जो कुर्बान है ना, हज आपको मालूम है ना, जो मक्का जाते हैं पूरा सऊदी में, उस टाइम में बकरी गाय सब कुछ कटता है ना, उस टाइम में ज्यादा टाइम बकरीद में हुआ ना, बकरीद उसका आपको मालूम है, बकरीद बोलता है। ये रोजा रखने का ये एज का हिसाब से भी हो जाएगा और कैसे, एज कितना एज का आदमी रोजा रख सकता है? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। मुस्लिम जो हिसाब है ना, 7 साल होता है तो नमाज पढ़ने का लाजिम, नमाज 7 साल एज हो गया नमाज, 10 साल रोजा, 10 साल से कोई कोई आदमी पहले भी रखता है। कोई लड़का लड़की थोड़ा एक्टिव वाला होता है ना, 2-4 रखता है, प्रैक्टिस करता है, 1-2 रखता है, तो 8-9 साल में भी रखता है, मगर 10 साल और छोटा लाइक तोड़ना नहीं है, लाजिम रखने का 10 साल से। और उसका एज 7 साल से नमाज, 7 साल से उसका बुड्ढा होने का तक करने का। जो आदमी बहुत बीमार है रोजा नहीं रख सकता है, रोजा रखेगा उसको मौत है, प्रॉब्लम आएगा, तो उसके लिए रोजा ताजा करना, रोजा रखना ही है। हाँ सही, लेकिन उसको कमती हो जाएगा? नहीं, रोजा कोई माफ नहीं है, रखना पड़ेगा, नमाज रखना पड़ेगा, लाजिम चाहिए। उसका ताबान है ना, वो मेरी बीमार हो गया ना, वो क्या करेगा, अगर उसका पास पैसा है, वो मिस्किन नहीं है, तो वो पैसा देके दूसरा जो ताकत वाला आदमी को पैसा देगा, मेरा रोजा रखो, उसको काजा बोलता है। काजा मीन मैं नहीं रख सका, मेरे बजाय मेरे ऑपोजिट में आप रखा मेरे लिए, इसको काजा बोलता है। वो करने का नमाज भी सेम है, नहीं किया कोई माफ नहीं है, नमाज रोजा हज का भी माफ है, हज जिसका पैसा है वो जाने का, ऐसा नहीं है आप किसी से लोन लेके किसी से उधार करके, नहीं, आप गरीब
जिसके पास पैसा है, बोला बार बार, जिसका पास ऐसा पैसा है जो उधर जाएगा उसका खोती नहीं होगा, दुख नहीं पहुंचेगा, बराबर पैसा है उसको लिए फर्ज है। अगर ऐसा नहीं है उसका, वो गरीब है, ऐसा नहीं है वो जाना पड़ेगा, नहीं जरूरत नहीं है। और एक बात पूछना चाहता हूँ, वो जो रोजा 39 डेज रखता है आर्मी लोग, उसमें बीच में कोई मिस्टेक से सुबह उठने के लिए लेट किया था, वो क्या होता है? वो भी अच्छा बात किया, वो काजा, मैं थोड़ा पहले बोला ना काजा, उसका काजा 30 रोजा होने के बाद, ईद की एक हफ्ता बाद, कोई भी टाइम में एक महीने के अंदर वो खत्म करने का, एक महीने के अंदर अगर नहीं खत्म करेगा, जैसे दूसरा साल आ गया तो उसका एक के लिए एक रोजा के लिए 70 रोजा, मगर वो एक महीने के अंदर रख देगा, अच्छा है, वो कबूल करेगा, मुश्किल नहीं है, मगर वो नहीं करेगा, लेकिन करना चाहिए। ओ इधर भी फिर दूसरा एक बात भी है, आप बलिष्ठ है, ताकत है, बीमारी नहीं है, आप क्यों भागा थोड़ा, उसके लिए भी वो खसारा दे रहा है, फाइन होता है ना, जैसा हमारा गाड़ी तकलीफ होगा हम लोग फाइन देता है, कोई सेक्रीफाइस नहीं है इसमें। ओके जी, आपका नाम मैं इधर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब में डालेगा आपका बात, मुश्किल नहीं है ना? आपका नाम नहीं है? मेरा नाम रहीम, रहीम, ओके, रहीम अब्दुल, राइट,